सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इस विषय पर न केवल आज की बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए, बल्कि एक तरह से आप लोग अपने पूरा समय एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लोग अपना पूरा मतलब एक तरह से सर्वस्व जो होता है वो न्योछावर किए हुए हैं। आप में से कई हैं जो वर्षों से 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं और बिल्कुल धरातल पर काम कर रहे हैं, और उन अनुभवों को आप लोगों ने आज बहुत ही संक्षेप में साझा किया। मुझे विश्वास है कि आप सभी का अनुभव कहीं ज्यादा है और उन सारे अनुभवों को आप एक्सेप्ट करने, अंगीकार करने, उसको सॉर्ट ऑफ इम्बाइब करने के लिए ये घंटे 1.5 घंटे का समय तो बिल्कुल अपर्याप्त है। बहुत इसमें समय लगने की, सीखने समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो आप लोगों ने जो विचार रखे उनमें से किसी से भी असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल यही होता है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और प्रशासनिक रूप से आपको कुछ निर्देश जारी करने होते हैं तो एक स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के जो उनके राज्य स्तरीय अधिकारी होते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके एक जारी करते हैं, और कई बार जो भारत सरकार से जारी होता है वो एक कॉमन अग्रीड प्रोग्राम तरह का होता है कि जिस पर सभी लोगों की मूल रूप से सहमति हो। क्योंकि आपको भी पता है कि पंचायती राज ये राज्य का विषय है, भारत सरकार का रोल इसमें एडवाइजरी है, जो आपकी पंचायती राज की 73वें संविधान संशोधन से व्यवस्था भी की गई, उसमें जैसा शुरू में ही बताया गया कि काफी कुछ वो स्टेट गवर्नमेंट्स पर ही छोड़ दिया गया। हमें 30 साल का समय लगा है जब पंचायतों का सही तरीके से इलेक्शन समय से हो सके, और अभी भी 30 साल के बाद हम लोग इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि यद्यपि संविधान में कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटर्स के रोल का कोई प्रावधान नहीं है, आपका 5 साल के अंतर्गत पंचायत का चुनाव होना अनिवार्य है। देर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल और एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि कई जगहों पर विभिन्न कारणों से पंचायत का चुनाव समय से नहीं होता। तो पिछले 25-30 साल के सॉर्ट ऑफ प्रॉडिंग, पुशिंग के बाद, और कई बार तो अब जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय प्राप्त हुए हैं, तब अब हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि एक समझ बन रही है कि प्रत्येक 5 साल में पंचायत का नियमित चुनाव कराना जरूरी है। अभी भी विभिन्न कारणों से कुछ एक राज्य हैं जहां पर पंचायत के चुनाव स्थगित हुए, विलंब से हुए, और हमें वहां पर जो फिनांस कमीशन के ग्रांट्स हैं, जो सब्सटेंशियल ग्रांट्स हैं, उनको रोकने तक की नौबत आई, तब जाकर वहां पर चुनाव कराए गए। तो ये तो एक बात है, बट लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उपलब्धियां भी रही कि आज 21 राज्य में 50% जो आपका रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। तो पंचायती राज व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपकी आधी आबादी को कम से कम रिप्रेजेंटेशन है, और आज की तारीख में आपके देश भर में भी अगर लें तो 46% से ज्यादा आपकी महिला जनप्रतिनिधि हैं, चयनित जनप्रतिनिधि हैं, और अगर आप कुछ एक राज्यों में जहां पर आरक्षण की गई है तो वहां तो 55-56% जितने चयनित प्रतिनिधि हैं वो महिला जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने यही है, और इस स्थिति में हम सभी लोगों को, चाहे वो सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, सिविल सोसाइटी के पार्ट हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोगों को मिलकर के ये करना है कि पंचायतों को जो वो अभी पर्यायवाची बन गए हैं, दे हैव बिकम सिनोनिमस विथ
सरपंच एंड पंचायत सेक्रेटरी। और इसीलिए जब चंद्रशेखर प्राण जी ने एक एनालिसिस किया, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें से निकल के आया कि साहब 25% 30% पंचायतों में तो वार्ड मेंबर्स के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिलते, क्योंकि लोग को पता है कि वार्ड मेंबर की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है। और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में चुनाव हो जाने के बाद भी, सरपंच निर्वाचित हो जाने के बाद भी पंचायतों का गठन नहीं होता है, क्योंकि सारे वार्ड मेंबर्स चुने हुए नहीं है। और फिर दोबारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव का घोषणा करती है, और फिर सरपंच किसी तरह से एक एक प्रतिनिधि का नाम अलग अलग वार्ड मेंबर्स के लिए तैयार करता है, और वो फिर बगैर निर्वाचन के निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। तो है, वास्तविकता यही है कि अभी इतने सालों के बाद भी हमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, कंफ्यूजन हम लोगों के भी दिलो दिमाग में रहता है। पंचायत को क्या हम वास्तव में, चंद्रशेखर प्राण जी तीसरी सरकार की बात करते हैं, भीम जी ने पहली सरकार बने उन्होंने कहा, तो है कि जब आपने, हम उसे तीसरी सरकार कहते हैं तो यानी भारत सरकार पहली सरकार, राज्य सरकार दूसरी सरकार, और पंचायत जो है या आपके स्थानीय निकाय वो तीसरी सरकार। लेकिन है कि वास्तव में अगर आप कहें तो कम से कम उस सेंटिमेंट से मैं अपने आप को सहमत पाता हूं कि जब तक स्थानीय सरकार को हम लोग पहली सरकार का दर्जा नहीं देंगे, कि वन विच इज द क्लोजेस्ट टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, टू द वोटर्स, और उसे सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक ये पीसमील इंटरवेंशंस विल नॉट रियली हेल्प। तो पहला हमें ये करना है कि क्या हमें विकसित राज्य बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए बहुत ही सशक्त स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है या नहीं, इसका उत्तर हमें हां और ना में देना होगा। और यदि हम वो देंगे तो फिर उसके आगे का सारा मार्ग जो है वो खुद ब खुद हमारे सामने क्लियर होता जाएगा। दूसरा जो कंफ्यूजन है कि क्या जो कलेक्टर की इकाई है, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, उसको हम फलक्रम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे या फिर हम स्थानीय सरकार को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम फलक्रम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे। ये चीज पर अगर हम निर्णय लेते हैं, और ये पॉलिसी डिसीजन होगा जिसमें सभी लोगों को मिल बैठ करके चर्चा करके ये होगा कि विल दैट बी मोर सुटेबल टू मीट द चैलेंजेस इन द नेक्स्ट 25, 50, 75, 100 years, या जो पिछले 100 साल के जरूरतों के मुताबिक, और विशेष रूप से आजादी के पूर्व जो अंग्रेजों के समय में जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय जो कलेक्टर की संस्था को उन्होंने मजबूत बनाया कि कलेक्टर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके साथ कार्य करने की जरूरत है। इन दोनों चीजों पर हमें अपना मत स्थिर करने की जरूरत होगी, क्योंकि टेंडेंसीज ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो टेक्नोलॉजी आज डेवलप हो रहा है, इट कैन हैपन, इट कैन बी हेल्पफुल और यूजफुल फॉर बोथ। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को भी सशक्त बना सकता है, साथ ही वो सेंट्रलाइजेशन के टेंडेंसीज को भी उतना ही सशक्त बना सकता है। तो इन सारी चीजों पर विचार करके, डिबेट करके एक मत बनाने की जरूरत, मैं समझता हूं कि वो समय आ चुका है व्हेन वी विल नीड टू कलेक्टिवली थिंक इट ओवर। अभी तक बहुत चीज को हम लोग गिवन लेके चलते हैं कि ये संविधान में व्यवस्था हो गई, ये हमारा पंचायती राज एक्ट बन गया या रूल्स बन गया, तो हमको उसी के दायरे में करते रहना। और यहां पर जैसे जो आप डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे थे,
देर आर सर्टन डिजाइन डेफिशिएंसीज, डिजाइन फ्लॉज हैं, और उनको जब तक हम उसका जवाब नहीं ढूंढेंगे तो फिर आगे जो है हम उन्हीं लिमिटेशंस के इर्द गिर्द हम काम करते रहेंगे। तो ये तो हुई व्यापक तौर पर, मतलब बहुत ही वृहद पैमाने पर जिस चीज पर चिंतन करने की, मनन करने की जरूरत है, और उसमें आई अग्री कि साहब हमको इन विषयों पर समय आ गया है कि गेट ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें ना केवल सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहें बल्कि आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वर्तमान के हों या पूर्व के हों, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द पंचायत, आपके जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज में लोग हों जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया हो, उन सभी लोगों को एक साथ ला करके, और विशेष रूप से MLAs और MPs, कुछ MLAs और MPs को भी इस प्रयास से जोड़ने की जरूरत है, ताकि वो एडवर्सेरियल जो रोल देखते हैं कि अगर सशक्त पंचायत हुआ तो फिर विधायक के पास कौन आएगा, और जो एक एग्जाम्पल दिया गया कि ग्राम सभा विलेज को चुने और विधायक स्थल को चुने, वो इसी स्ट्रगल का नतीजा है, कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन था, जहां पर विधायक पंचायत को, सशक्त पंचायत को, ही लुक्स अपॉन इट एज एन एडवर्सेरियल रोल, कि अगर यहीं पर सारी समस्याओं का निदान होने लगा तो फिर हमारे पास कौन आएगा। तो ये एक थिंकिंग है, ये एक चीज है जिस पर हमें करना होगा, हमें ये बताना होगा सभी स्टेक होल्डर्स को कि अगर आपके स्थानीय स्व शासी निकाय जो हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस अगर मजबूत होते हैं तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। दैट इज द मैसेज दैट वी हैव टू कन्वे। इट इज नॉट अ जीरो सम गेम कि एक अगर सशक्त होगा तो दूसरा कमजोर होगा, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत होगा, और अभी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि उस तरह के प्रयास किए गए हैं। जो पेशा एक्ट बना 96 में बना, 25 साल हो गए, झारखंड और उड़ीसा में आज तक नहीं हुआ। आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पर पिछले साल उन्होंने रूल्स जारी किए, एंड दीज वर द 4 मेजर स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा आपका ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, और जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल होगा उसकी जद्दोजहद भी सबसे ज्यादा। और उड़ीसा और झारखंड में अभी तक अगर इस पर रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं तो समवेयर इट सिंबलाइजेस द शार्प सॉर्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन हु विल कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरा है कि हम लोगों ने जो एक काम करने की पद्धति ढूंढी है, उसमें है राज्य सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग, और विभाग की उपस्थिति आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होंगे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होंगे, कई विभाग होते हैं जिनके ब्लॉक तक भी पहुंच नहीं होती है, एंड देन वी वर्क एज पर अ सिस्टम थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। ये एक बना हुआ था सेट पैटर्न है, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग बनती है तो वो आपका जो विभागीय प्रणाली, जो एक हॉरिजॉन्टल आपकी हायरार्किकल ये बनी हुई है, उसमें फिर कहीं पर देर इज सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। और जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ग्राम सभा की बैठक में हाजिर नहीं होते हैं वो उसी कॉन्ट्रेडिक्शन या चैलेंजेस को दर्शाता है कि उसकी जवाबदेही अपने हायरार्किकल सुपीरियर के प्रति हो या ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रति हो, क्योंकि उसके सर्विस कंडीशंस में, उसके ये में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि साहब यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी ग्राम सभा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी ग्राम पंचायत। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जिसका हमें
हल ढूंढना होगा, और ये हल जो है वो मंथन से निकलेगा, डिस्कशन से निकलेगा, थिंकिंग फ्रॉम द टॉप से, ऊपर से निर्देश जारी करने से उसका ये नहीं निकलेगा, क्योंकि जब निर्देश ऊपर से आते हैं तो उसमें सब तरह के निर्देश होते हैं। पंचायती राज सचिव एक निर्देश देंगे और दूसरे जो विभागीय सचिव हैं उसका दूसरा दे देंगे, या चीफ सेक्रेटरी के स्तर से ही दो दो तीन तीन अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी जो है वो आपके निर्देश जारी हो जाते हैं। और फिर फील्ड में जिसकी जो समझ में आता है, जिसको जो सूट करता है, वो उसे इंप्लीमेंट करता है। तो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने यही है कि क्या हम पंचायती राज व्यवस्था को वास्तव में शासन प्रशासन की पहली इकाई या तीसरी इकाई के रूप में, जो एक संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त हो चुका है, नाउ दैट देर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम इट, वी कैन ओनली इंप्रूव दैट। और अगर मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जरूरत पड़े, तो पंचायती राज व्यवस्था और जो आपके नगरीय इकाई हैं, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, संभवतः आज वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसे भी गिने। लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय हमारे पास नहीं है, लेकिन दैट इज माय पर्सनल फीलिंग कि अगर ये चुनौती दी जाती है तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आज की तारीख में आ जाएगा, या आ जाना चाहिए। और वो अगर आ जाता है तो फिर ये हम सभी लोगों का सामूहिक दायित्व बनता है कि हम इसे मजबूत करने के लिए जो आगे की चुनौती है उसको, वो कैसे उन चुनौतियों से निपटे, इसके लिए सक्षम बनाने के लिए सभी को मिलकर के कार्य करने होंगे। और इन चीजों पर अगर हम पॉजिटिव अफर्मेटिव डिसीजन लेते हैं कि यस देर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम हैविंग वेरी स्ट्रांग यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो बाकी सारे जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो भी अपने आप सजेस्ट करते जाएंगे। दैट इज नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि साहब जो यहां पर है उसको, और ये सारे टूल्स आपके बने हुए हैं, जिसको जैन साहब डिजाइन थिंकिंग की बात कह रहे हैं कि ये सारे 6 ब्लॉक्स, ये 5 ब्लॉक्स, वो सारे चीज जो हैं, ऑल दोज थिंग्स कैन बी फाउंड आउट, लेकिन वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव यस ऑन द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन कि वेदर दी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जिस तरह स्टेट और सेंटर हैं फेडरल ये का, हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वही दर्जा देने को तैयार हैं या नहीं है? मेरा अपना यह मानना है कि आंसर इज मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव, टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डिसीजन, जो आपके सेंट्रल फिनेंस कमीशन के हो रहे हैं, भारत सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के, कोविड के समय जिस तरह से नेचुरल कोविड के समय में जिस तरह से पंचायतों ने अपने आप को सॉर्ट ऑफ दे प्रूव देमसेल्व्स, उससे हम धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर अगर हमें बहुत समय नहीं गंवाना, तो वी नीड स्ट्रांग अफर्मेटिव एक्शन राइट नाउ, तो वो चीज जरूर जरूरी है। चौथा जो यहां पर 1999 में आपने बात की थी कि साहब बाबू गौड़ा पाटिल साहब ने उसी समय सीएम्स के कॉन्फ्रेंस में कहा था और चिट्ठी भी भेजी थी कि ग्राम सभा को विधायिका का रूप देना होगा और पंचायत को एग्जीक्यूटिव का, वास्तव में वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट, लेकिन आज की तारीख में हम उससे कोसों दूर हैं। मतलब वी आर फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन कि आपके ग्राम सभा को हम विधायिका के रूप में उसे हम मान्यता दें। अगर ये सिद्धांत रूप में सभी राज्य सहमत हो जाएं कि हमें ग्राम सभा को विधायिका के समरूप
उसे स्टेटस देना है, तो देन वील टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इसी तरह ग्राम पंचायत को की जिम्मेदारी उनके प्रति, ग्राम सभा के प्रति हो। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा को सस्पेंड कौन कर सकता है? कलेक्टर। ग्राम सभा को नोटिस दे करके डिसमिस कौन कर सकता है? कलेक्टर। उसके सीट को वैकेंट कौन कर सकता है? कलेक्टर। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ये करेगा। तो जो सरपंच है उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर के प्रति है कि ग्राम सभा के प्रति है? वी डोंट नो। तो ये इन बेसिक कॉन्ट्रडिक्शंस को जो यहां पर आपके हैं, इन चीजों को भी हमें कन्फ्रंट करने की जरूरत है, चैलेंज करने की जरूरत है। और आपकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि ये डिमांड जो है, डिमांड फॉर अ वेरी स्ट्रांग लोकल यूनिट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम बिलो। इट शुड नॉट बी डिक्टेटेड फ्रॉम द टॉप। और वो डिमांड अगर है भी तो उसका आर्टिक्यूलेशन कितना प्रभावी ढंग से हो रहा है, दैट आई थिंक, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ कि वेदर दैट डिमांड की वी रिक्वायर वेरी स्ट्रांग यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चीज अभी किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। वो इंडिविजुअल लाभार्थी को देख करके घोषणा कर रहे हैं कि आपको 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, 5 सिलेंडर मुफ्त देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम तीसरी सरकार को या तीसरी इकाई को जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसे स्ट्रांग बनाएंगे, ये अभी नहीं आ रहा है। तो मे बी दिस इज अनदर ये ऑन विच वी नीड टू थिंक एंड डेलिब्रेट। तो बाकी हम यहां पर यही कहेंगे कि जो हम लोगों का 16 अगस्त का गाइडलाइंस था, वो गाइडलाइंस बहुत ही लिमिटेड परिप्रेक्ष्य में बना था कि हम ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी कैसे हो, उसका एक स्ट्रक्चर्ड स्वरूप कैसे हो, और जो आपके विशेष रूप से जो विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी हम उसमें जन सहभागिता को हम कैसे बढ़ाएं। तो जो हुआ कि एक रोस्टर बने, एक डिस्ट्रिक्ट रोस्टर हो, हम लोगों ने एक ये बना करके वाइब्रेंट ग्राम सभा का शेड्यूलिंग, शेड्यूलर, ये सारी चीजें बना के दी कि उसमें आप उसके हिसाब से शेड्यूल करें, उसके बाद उसका एजेंडा तय हो, वो सारा इट वॉज डिजाइंड टू एड्रेस दैट इश्यू। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज फेल्ट कि साहब जो ग्राम सभा की बैठकें हो रही हैं उसमें अटेंडेंस ही किसी का नहीं होता। और जो आ एक ये था कि ये प्रोविजन ऑफ एडजोन्ड ग्राम सभा, बिल्कुल सहमत है कि साहब इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जो ग्राम सभा को कमजोर बनाती हैं, उनको वी नीड टू डू अवे विद दैट। हमारे एडवाइजरी जारी करने से समस्या का निदान नहीं होगा, उसके लिए जब तक आप एक्ट में और रूल्स में संबंधित स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक हमारा 16 अगस्त का एडवाइजरी हो या कोई भी हो, इट विल रिमेन एन एडवाइजरी, उसका कोई महत्व कहीं पर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दैट प्रेशर गेट्स बिल्ट। उस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत होगी, और इस चिंतन में जितने भी हमारे लोग हैं, जिनकी रुचि है, जिन्होंने इसमें अपना समय दिया है, योगदान दिया है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी लोगों को एक मंच पर ला करके उनके साथ परामर्श करके इस चर्चा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो NIRDPR के सशक्तिकरण के बारे में बताई गई, जो सुझाव दिए गए, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन यहां पर जो डिसीजन है, डिसीजन DG NIRDPR और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट को लेना, दे विल नीड टू टेक अ कॉल कि व्हाट इट इज, एंड दे आर एट द क्रॉस रोड्स। आज की तारीख में उनके पास है कि एक ऐसी संस्था जिसको बनाने में
साठ साल सत्तर साल की मेहनत लगी है और एक इंस्टीट्यूशन जो बनी है दैट शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू सीड। और उसमें कई विचार हो सकते हैं, हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कैसे इसमें भागीदार बनाएं कि हर एक पंचायत NIRDPR को देखे कि ये मेरी संस्था है, जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं और पंचायती राज हैं उनको देखें कि ये मेरी संस्था है, इससे मुझे सहूलियत होगी, मुझे फायदा होगा। अभी अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेप्टेंस है नहीं, और NIRDPR हो या SIRDs हो, उन्होंने भी इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस यूटिलिटी टू ईच एवरी स्टेक होल्डर स्पेशली दी पंचायत उनको बनाए। अभी दे आर अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमें 100 करोड़ रुपया बजट देता है तो आपके स्कीम्स का हम ये करेंगे। दे आर नॉट डिजाइन टू फंक्शन और एक्ट एज कि शायद हम पंचायतों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, हम उनकी कैसे हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उनको कैसे हम परामर्श या एडवाइस दे सकते हैं। तो ये सारे बिंदु हैं जिस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि वो समय आ चुका है। 73rd अमेंडमेंट हुए भी 30 साल गुजर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब more than one generation has passed, and we cannot postpone sort of addressing these basic issues for a long time to come. यथास्थिति अगर होते रहेगी तो इसी कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ निकलते रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी ये कंफ्यूजन दूर हो उतना सभी के लिए बेहतर है, और सबसे देश के लिए बेहतर होगा, नागरिकों के लिए बेहतर होगा। तो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। यहां पर मैं यही कहूंगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ एक विषयों पर, मूलभूत विषयों पर। इसी महीने के 30 मई को राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के साथ एक विचार विमर्श का है, जिसमें एटलीस्ट वील गेट टू हियर कि व्हाट आर देयर व्यूज, और उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले दो तीन महीने के अंदर एक हम लोग चिंतन शिविर टाइप का या सम वर्कशॉप करें, 2 दिन 3 दिन जो भी ये होता है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, विच इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पास्ट और प्रेजेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी लोग इस दिशा में काम करते रहे, उन सभी को ला करके और उनसे अलग अलग बिंदुओं पर कि हम पूरे इस सिस्टम को कैसे सुदृढ़ करें, उस दिशा में हम लोग और आगे की हमारी क्या कार्य योजना क्या हो। कुछ चीजों पर हो सकता है कि अगर हमें नए सिरे से पूरे चीज को देखना हो तो वो भी देखने की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ कि ये ग्रामीण के लिए है, ये नगरीय के लिए, और जब इंक्रीजिंगली ये गांव और शहर के बीच का डिफरेंस वो खत्म होता जा रहा, तो इन सारी चीजों पर भी विचार करने की जरूरत होगी। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, उस पर वील बी सॉर्ट ऑफ वर्किंग ऑन एंड वील बी गेटिंग बैक टू यू। जो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में जो भी आप योगदान कर रहे हैं, क्योंकि ईच वन ऑफ यू इज डूइंग एन एग्जेम्पलरी वर्क ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ही पंचायती राज व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, उस दिशा में जो भी कार्य कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट। उसमें हम लोगों की ओर से जो भी सपोर्ट होगा दैट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड। और हमारा ये मानना है कि आप लोग अपने अनुभव के आधार पर, जो एक और बड़ा चिंतन हमें करने की जरूरत है, जिसमें हमें अपने पूरे, वी हैव टू री इमेजिन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एट लार्ज और उनके बीच का क्या रिलेशनशिप हो। इट्स नॉट अ सिंपल इक्वेशन बिटवीन
सरपंच एंड पंचायत सेक्रेटरी या बीडीओ और ब्लॉक पंचायत प्रमुख या सीईओ और जिला पंचायत प्रमुख. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि साहब आपका जो कलेक्टर है, जो आपके अन्य विभागीय अधिकारी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका रोल, उनका संबंध आपस में क्या होगा, दैट विल ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड. तो इस दिशा में हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है. कुछ एक जो सुझाव थे, एक जो सुझाव था कि सजेशन बॉक्स भी केप्ट आउटसाइड हाउस ऑफ वार्ड मेंबर्स ग्राम सभा की बैठक के पहले. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल. महिला सभा और बाल सभा को हम पहले कराएं, वार्ड सभा को हम मजबूत करें. वार्ड सभा की अभी जो है वो आपका कुछ एक राज्यों में ही हो रहा है, उसको हम दूसरे जगहों पर भी कैसे करें. और विशेष रूप से जहां पर पंचायतों का आकार बड़ा होते जाएगा, जहां पर पंचायतों का साइज बड़ा होते जाएगा, वहां पर वार्ड सभा की सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो और बढ़ेगी. तो इसलिए इसको भी हमें अपने पूरे फ्रेमवर्क में बिल्ड इन करने की जरूरत है. और आप सभी के उन चीजों से मैं सहमत हूं कि ग्राम सभा इज नॉट ओनली फॉर डिसाइडिंग कि बेनिफिशियरीज का चयन कैसे हो और फलाना ये हो, इट हैज टू एक्सरसाइज द रोल इन अ मच वाइडर फ्रेमवर्क विच कवर्स एंड कंपेसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो उस दिशा में हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आप लोगों से जब कंसल्टेशन होगा और डिटेल डिस्कशन होगा तो उससे कुछ रास्ता निकलेगा जो आगे के लिए हम सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो उन पर दे विल हैव ग्रेटर क्लैरिटी एंड देन वी कैन मूव अहेड ऑन दैट. थैंक यू, धन्यवाद.